हम सबको ये पता है कि रोहित शर्मा आने वाले T20 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ये खुलासा BCCI सचिव जय शाह ने खुद कर दिया है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है कि क्यों रोहित शर्मा ही T20 विश्व कप की कप्तानी करेंगे, जबकि सेलेक्टर्स और एक वक्त जय शाह के मन में भी यही चल रहा था कि शायद रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाएगा, विराट कोहली और रोहित दोनों ही T20 के लिए नहीं खेलेंगे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही खिलाड़ी अब T20 विश्व कप में खेलते हुए नजर आएंगे? इसकी कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। याद करिए भारत का साउथ अफ्रीका दौरा, जब रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब वहाँ पे लोग टेस्ट क्रिकेट से लेकर कई सवाल पूछ रहे थे। लेकिन इसी बीच एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि क्या T20 विश्व कप में आप कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्या कोहली T20 विश्व कप खेलेंगे? लेकिन इसमें रोहित शर्मा ने अपने चिरपरिचित अंदाज यानी कि मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं सब जानता हूँ आप क्या सुनना चाहते हो, आपको जवाब मिलेगा और जल्द मिलेगा। उसके बाद जब इस वक्त 15 फरवरी को जब तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में शुरू हो रहा था, उस वक्त जब BCCI सचिव जय शाह ने ये बात का खुलासा किया कि रोहित शर्मा ही T20 के कप्तान रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि रोहित की कप्तानी में हम 2024 का T20 विश्व कप भी जीते, लेकिन यहाँ पर भी एक डाउट रखा उन्होंने कि कोहली का क्या रोल होगा, इस पर चर्चा करेंगे। अब कोहली खेलेंगे कि नहीं, इस पर भी थोड़ा सा डाउट जाता है। लेकिन हम आपको फिलहाल वो बताते हैं कि वो T20 विश्व कप में रोहित को क्यों कप्तानी दी गई और ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा ही कप्तान है, हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी सीन से हटा दिया गया है। 2022 T20 विश्व कप जब ऑस्ट्रेलिया में खेला गया तो टीम इंडिया सेमीफाइनल हारकर बाहर हो गई थी। रोहित शर्मा उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान थे। तब एक वक्त लगा कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली की T20 में छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि उसी तरह से अगर देखा जाए तो ना रोहित T20 खेल रहे थे ना ही विराट कोहली। लगभग 14 महीनों तक दोनों ने ही T20 नहीं खेला था। तब ऐसा लगने लगा कि BCCI और सेलेक्टर्स का ये पूरे तरह से मानना है कि अब इन दोनों को थोड़ा सा अलग किया जाए और एक नई युवा T20 टीम बनाई जाए जो हमें विश्व कप जिता कर दे, जैसा कि 2007 में हुआ था। लेकिन फिर ऐसा क्या घटा कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया? ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। एक्चुअली हुआ ये कि अब जब उन लोगों को किनारे करने की बात चल रही थी तो उसके बाद शुरू होता है 2023 का वनडे विश्व कप। अब वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं भारत के लिए और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ओवर अग्रेसिव बैटिंग करते हैं और शुरुआत में यानी कि पावर प्ले में ही विपक्षी टीम को बैकफुट पर ढकेल दे रहे थे और साथ में विराट कोहली भी रोहित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। सेंचुरी पे सेंचुरी लग रही थी और रोहित शर्मा के बल्ले से लगातार ताबड़तोड़ रन निकल रहे थे। हालात ऐसे हुए कि टीम इंडिया लगातार 10 मैच जीतकर विश्व कप के फाइनल में पहुंची। अब पासा यहीं से पलटा। हुआ ये कि जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, हालांकि फाइनल नहीं जीत पाए थे, लेकिन जब फाइनल में पहुंचे तब तक ये तस्वीर साफ हो चुकी थी कि रोहित शर्मा चाहे कितना भी कह लें आप, वो T20 विश्व कप के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ना वो सिर्फ कप्तानी अच्छी कर रहे थे बल्कि उनके बल्ले से ताबड़तोड़ रन भी निकल रहे थे। ऐसा जब हुआ तब फिर सेलेक्टर्स के कान एक बार फिर से जू रहेंगी और उन्हें लगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच ज़्यादा गैप नहीं था, करीब 8-9 महीने का ही गैप है, तो हमें रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए। इसके बाद जब सेलेक्टर्स बदले, जब अजीत अग्रकर सेलेक्टर बने और जब BCCI सचिव जय शाह के साथ मीटिंग हुई, लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग हुई, रोहित शर्मा उसमें शामिल नहीं हुए थे। जब मीटिंग्स में ये फैसला लिया गया कि रोहित शर्मा तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, कप्तानी भी बेहतरीन कर रहे हैं, तो क्यों ना 2024 के T20 विश्व कप में उन्हें कप्तानी सौंपी जाए। लेकिन अब सवाल आता है कि फिर हार्दिक पांड्या का नाम इतना क्यों आया कि वो कप्तानी करेंगे? दरअसल हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को 2 बार फाइनल में पहुंचाया और 1 बार चैंपियन बना दिया था। अब सवाल उठने लगा कि हार्दिक पांड्या रोहित से बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन जब इस वक्त यानी कि 2024 में जय शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि
अभी हम प्रेजेंट में रहते हैं, फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, अभी रोहित अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन अगर रोहित वनडे विश्व कप में ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं करते या फिर टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। लेकिन अब सेलेक्टर्स ने यह तय किया कि रोहित शर्मा ही T20 के कप्तान रहेंगे। ऐसा दो वजह से हुआ, एक तो वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और कप्तानी, दूसरा IPL में मुंबई इंडियंस की जब कप्तानी हार्दिक पांड्या को दे दी गई तो सेलेक्टर्स को लगा अब रोहित पर कोई दबाव नहीं रहेगा, दो ढाई महीने IPL खेलने के बाद रोहित थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करेंगे और कुछ भी हो जाए ड्रेसिंग रूम के बॉस तो रोहित ही रहेंगे। तो इसके बाद जब रोहित शर्मा वापस इंडिया के लिए खेलने आएंगे थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे, तो उन्हें कप्तानी सौंपी गई। जब उन्हें कप्तानी का ऐलान किया गया तो वहां पर न सिर्फ कप्तान थे बल्कि कई सेलेक्टर्स, कई क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी और राजकोट के भी कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे। तो एक तस्वीर साफ की जय शाह ने कि रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे, लेकिन यहां पर भी उन्होंने एक डाउट पैदा किया कि विराट कोहली का क्या रोल होगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी। अब विराट कोहली को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे इस पर भी डाउट जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली ऐसा तो नहीं है कि वो T20 विश्व कप या T20 खेल नहीं सकते। हम सब ने 2022 में वो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी इनिंग्स देखी, हमने वनडे विश्व कप में भी उनकी पारियां देखी। तो विराट कोहली भी अगर रोहित फिट बैठते हैं तो विराट कोहली भी इस तस्वीर में पूरी तरह से फिट हैं कि विराट कोहली को भी T20 विश्व कप में ले जाना चाहिए। अब सेलेक्टर्स क्या फैसला लेंगे और आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।